नाव असोहा कांड को लेकर डॉक्टर उदित राज ने ट्वीट हैंडल से गलत भ्रामक और जनमानस में आक्रोश फैलाने वाली पोस्ट को लेकर प्रशासन ने कार्यवाही शुरू कर दी है। असोहा कांड में जानबूझकर मनगढ़ंत खबरों को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के कारण ट्वीटकर्ता के खिलाफ थाना कोतवाली सदर उन्नाव में केस दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और भी ऐसे व्यक्तियों की तलाश की जा रही है जिन्होंने गलत और भ्रामक पोस्ट की है। असोहा थाना अंतर्गत घटित घटना के बारे में कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा भ्रामक तथ्यों का जनता के बीच प्रचार प्रसार किया गया, कुछ अफवाहें फैलाई गई और तथ्य से विपरीत ऐसी चीजों का समाज में प्रचार प्रसार किया जिससे समाज की भावनाओं को भड़काने का काम उनके द्वारा किया गया है। इसी संबंध में एक FIR कोतवाली थाने पे उदित राज के खिलाफ हुई है। इनके द्वारा बिना किसी जानकारी के गलत और भ्रामक तथ्यों का प्रचार प्रसार किया गया और लोगों में संभ्रम फैलाने की कोशिश की गई, समाज में जो है द्वेष की भावना फैलाने की का प्रयास किया गया। इसलिए इनके खिलाफ कोतवाली थाने पे धारा 153 और 66 ICS 66 IT Act के अंतर्गत आज FIR पंजीकृत किया गया है और इसमें विवेचना में आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ ऐसे और सोशल मीडिया हैंडल्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जिनके द्वारा गलत तथ्यों का प्रचार प्रसार किया गया और लोगों को गुमराह करके भावनाओं को भड़काने का काम किया गया। ऐसे मीडिया हैंडल्स को भी आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ भी शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव से KKD न्यूज संवाददाता अश्वनी सिंह की रिपोर्ट। अमरोहा आदमपुर के शिव मंदिर प्रांगण में भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत की बैठक की गई जिसकी अध्यक्षता सुधीर त्यागी और संचालन ब्लॉक अध्यक्ष टीटू त्यागी ने किया। वहीं बैठक में कृषि के काले कानूनों के विरुद्ध चल रहे किसान आंदोलन को सफल बनाने पर चर्चा की गई। और जो शिकायतें काम हुआ आप उससे डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई भी परेशानी हो मैं आपका काम हमेशा कर, जब भी आप चाहेंगे महाराज का और कमोरी ले गई मैंने, तो जो गरीब है वो जिंदगी भर गरीब रहा। और ऐसा अपने विरोध में हो रहा सुन लो, एक दिन धरना लगेगा चाहे आदमपुर हो, माजरा हो, सुतरा हो, चुपेरी हो, जिनके लैंडफिल पड़ रहे हैं उनकी कॉलोनी बन रही है और जिसका छान पड़े उसके एक एक मीना लग गई। धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, विरोध को खेलना पड़ेगा, सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार है। अमरोहा से KKD न्यूज संवाददाता जयचंद गौतम की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार के कायाकल्प योजना के तहत प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के भवन का कायाकल्प हुआ और परिषदीय विद्यालय भी प्राइवेट विद्यालयों से आगे रहने लगे हैं। इसी क्रम में आज सिद्धार्थनगर जिले में 126 परिषदीय विद्यालयों के पुनर्निर्माण के कार्य का शिलान्यास किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी, सोहरतगढ़ विधायक चौधरी अमर सिंह, इनके अलावा जिला के आला अधिकारी व विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। शिलान्यास कार्यक्रम में जिले भर से शिक्षक, स्काउट गाइड कर्मी व मनमोहन कार्यक्रम करने वाले विद्यार्थी मौजूद रहे। वहीं मंत्री सतीश द्विवेदी ने बताया कि प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है पूरे बेसिक शिक्षा विभाग का कायाकल्प हुआ है और प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के 80,000 परिषदीय विद्यालयों का कायाकल्प हुआ है। और प्रदेश में सर्वे कराया गया था कि कुछ विद्यालय जिनकी भवन जो कि एकदम जर्जर हो गए हैं उनके ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ है और नए विद्यालय बनाने हैं। इस क्रम में पहले चरण में प्रदेश के 1,194 विद्यालयों को ध्वस्त कराकर नया विद्यालय बनाया जाएगा। योगी सरकार जब से 2017 में आई है लगातार उत्तर प्रदेश की पूरी बेसिक शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प करने में लगी हुई है। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हमारे 80,000 से अधिक विद्यालयों का मरम्मत, उनकी फिर से पेंटिंग, चार दीवारी, विद्युतीकरण, स्वच्छ पेयजल, शौचालय आदि का काम हो रहा है। लेकिन इसी बीच हमने एक सर्वे कराया था, प्रदेश के कुछ विद्यालय ऐसे थे जिनका भवन पूरी तरह से जर्जर हो गया था, उन भवनों के ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ है और उस जगह पर नए विद्यालय बनने हैं। इस क्रम में पहले चरण में अभी 1,194 विद्यालय उत्तर प्रदेश के ध्वस्त करके उनका नया भवन बनाया जाना है। इसी क्रम में सिद्धार्थनगर में भी ऐसे 126 विद्यालयों का पुनर्निर्माण होना है। आज सिद्धार्थनगर के उन सभी 126 विद्यालयों के पुनर्निर्माण का शिलान्यास का कार्यक्रम था। मैं इस अवसर पर सिद्धार्थनगर जनपद के अपने बेसिक शिक्षा विभाग को और इन 126 विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को और अध्यापकों को बधाई। सिद्धार्थनगर से पवन जायसवाल की रिपोर्ट।